रगोन बड़वानी लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र उमराव सिंह पटेल ने अपना नामांकन फॉर्म भरा। इस दौरान जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की, जहां शिवराज ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी की बुद्धि बच्चे जैसी है, एक मोदी की बजाय सभी मोदियों को चोर कहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने दिग्विजय सिंह का नाम ले लिया है तो मुझे स्नान करना पड़ेगा। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। ये ऐसा हटिया बच्चा है, ये जब गड़बड़ करता तो मैं थप्पड़ मारती कहते मां नहीं करूंगा, मम्मी अब नहीं करूंगा, और जैसे ही मां दूर जाती तो फिर करूंगा। दूर के निकाल बना कर ऐसा नादान नेता कांग्रेस का कहते सारे मोदी क्यों है। राहुल गांधी अच्छी अकल पाई है, अब ये फेरा सहगोल में कहा है आदिवासी भाइयों, मोदी बड़ा खराब है, पूरी जमीन खिला देगा, तुमको गोली मार देगा। आप बताओ कोई ऐसा कर सकता है क्या? झूठ फैलाने का काम कर रहे, यहाँ फैलाई जा रही है, ये मोदी आ गया, भाजपा आ गई। 8, 9, 10 और 10 में अगर नहीं किया 10 में दे तो क्या अरविंद मुख्यमंत्री हटा दूंगा। बोलो दादाजी ने कहा था। अब बताओ मेरे किसान भाई हो, सबका कर्जा माफ हुआ क्या? सुबह हुआ क्या? राहुल गांधी ढोल पीछे हिंदुस्तान ने कर जवाब कर दिया, दो महीने में कर दिया, कमलनाथ ने कर दिया, और कमलनाथ मोबाइल पे मैसेज भेज रहे किसानों को, रामलाल तेरा कर्जा माफी का आवेदन मिला, अभी नहीं होगा, दादा सिंह लग गई है। हमारे खरगोन जिले के नौजवान बंजारा समाज से दिलू ने भी बड़ी आज से कर्जा माफी का आवेदन भरा। कांग्रेस को भगाया, इस बेईमान कांग्रेस के लोगों ने दिलू बंजारा से फार्म भरवाया कर्जा माफी का, रसीद दी, उसने आवेदन भी किया, बड़ी आस थी राहुल गांधी कह दिया है मेरा कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन मेरे बहन और भाई को बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है जब कर्जा माफ नहीं किया तो दिनू ने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। बहन और भाई इसी फरवन में सम्मान चाहिए कांग्रेस के नेताओं को, धिकार है इसी कांग्रेस को जो झूठ बोल के वोट देती है और बाद में लोगों की जिंदगी से खेलने का काम करती है। काहे का दावा करती काहे की कांग्रेस? कर्जा कैसे माफ होगा मेरे बहन भाई? कर्जा माफ होगा, किसानों ने जिन बैंकों से पैसा लिया है उन बैंकों पैसा पहुंचो सरकार की तरफ से तो कर्जा माफ हो जाएगा। बताओ सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? अब उनको तो पैसा दिया नहीं, बजट में प्रावधान किया नहीं, 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा, बजट में 5,000 करोड़ का प्रावधान किया और बैंक को 1,300 करोड़ दिया। अब पैसा ना देगा खरगोन का मेला, कर्जा कहां से माफ होगा? किसान आज परेशान, एक ने अनेकों वादे किए। ए मेरे नौजवान मित्रों, यही राहुल गांधी कमलनाथ कांग्रेस थी। नौजवानों कांग्रेस जिता दो 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दूंगा। बताओ मेरा कोई को बेरोजगारी भत्ता? 4,000 रुपया महीना। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट।